नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हम पैरों में दर्द और बेचैनी को अनुभव तो करते हैं, लेकिन इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जब हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज और दिल की परेशानी से बचने की बात आती है, तो डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी कीमत पर पैर दर्द को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब हाई कोलेस्ट्रॉल एक परेशान करने वाली समस्या बन सकता है, जो खासकर स्वास्थ्य कार्यों को प्रभावित करता है, जहां सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाना और हृदय रोग के सबसे गंभीर लक्षण है। वहीं कोलेस्ट्रॉल एक समस्या हो सकती है जो पैरों में भी दिखाई देती है। वास्तव में जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, पैर की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय की समस्याओं का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर, जिसे चिकित्सीय रूप से हाइपर लिपिडिमिया भी कहा जाता है, इसकी अधिकता की वजह से धमनियां सही तरीके से काम करना बंद कर देती हैं। हालांकि ये सबसे ज्यादा हृदय में और उसके आसपास धमनियों के बंद होने का कारण बनता है। यही कभी कभी आपके पैर में मौजूद अंगों सहित अन्य जगहों की धमनियों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्रतिदीय धमनी रोग या PAD, जब पैरों को गति और काम के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिलता है, तो ये दर्द होने लगती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल की सभी समस्याएं पट्टिका के जमाव और शरीर में फैली धमनियों के निर्माण से संबंधित हैं। ऐसी समस्याएं निचले अंगों को प्रभावित करती हैं। शरीर इसका परिणाम पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है, जो एक लक्षण के रूप में खास पैर दर्द का कारण बनता है। हालांकि इस तरह के दर्द के लक्षणों को आसानी से गलत भी माना जा सकता है। पैर में या जांघों में दर्द जो चलते वक्त विकसित होता है और आराम करते समय राहत मिलती है, ये पैर में रुकावट का संकेत है, जिसे क्लॉडिकेशन दर्द कहा जाता है। अगर दर्द का वक्त पर इलाज या निदान नहीं किया जाए, तो ये बाद में जटिलताएं भी पैदा करता है, क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर एक मूक रोग है जो अन्य लक्षणों का कारण नहीं बनता। पैर में दर्द के किसी भी संकेत को हृदय रोग के जोखिम को रोकने के लिए वेकअप कॉल के रूप में माना जा सकता है। एक या दोनों पैरों में किसी भी हिस्से में भारीपन और जलन महसूस होना, इसके अलावा डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अकड़न पैर दर्द एक विशिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है, जो इसे विभिन्न पैर दर्दों के कारण से अलग कर सकता है, जैसे कि गठिया या मांसपेशियों में दर्द के कारण और आमतौर पर जांघों के आसपास से ये शुरू होता है, और इन्हें इग्नोर करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।